हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू रियल ब्यूटी चैनल। फ्रेंड्स, भोजन मानव जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। लोग अपने मन की तृप्ति के लिए अलग अलग तरह तरह की व्यंजनों का सेवन करते हैं, पर कई बार हमारे द्वारा किया गया भोजन ही हमारे लिए कई बीमारियां लेकर आ जाता है। किसी भी चीज़ का सीमित मात्रा में सेवन हमेशा लाभकारी होता है, परंतु जब आप ज़्यादा मात्रा में चीज़ों का सेवन करने लगते हैं तो यही इसके दुष्परिणाम भी हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे जिससे आपको किडनी में स्टोन होने का खतरा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आपको किडनी स्टोन की बीमारी से बचना है तो आपको अपने आहार में इन सब्जियों को बहुत ही सोच समझकर शामिल करना होगा। किडनी स्टोन की सबसे बड़ी वजह होती है ऑक्सलेट और कैल्शियम जैसे तत्वों की। इनके सेवन से धीरे धीरे किडनी में स्टोन बनना शुरू हो जाता है। टमाटर, बैंगन और पालक में ऑक्सलेट और कैल्शियम पाया जाता है, जिससे आपकी किडनी में स्टोन बनने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ने लगता है। सामान्य रूप से टमाटर, बैंगन और पालक का सेवन आपके लिए कोई ज़्यादा खतरा पैदा नहीं करता है। अगर आप किडनी के खतरे को कम करना चाहते हैं तो टमाटर का सेवन करने से पहले इसके बीजों को अलग कर दें और पालक का सेवन करने से पहले उसे एक बार गर्म पानी में ज़रूर धो लें और नियमित रूप से ज़्यादा टमाटर, बैंगन और पालक का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपके किडनी में स्टोन बनने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।